अध्याय 10। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुम अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझको अजन्मा, अनाद और सभी लोकों की उत्पत्ति का कारण जानता है, वह ज्ञानवान मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, प्राणियों में इस तरह के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। सप्त महर्षि, उनसे भी पूर्व हुए 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो व्यक्ति मेरी इस विभूत और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत चलायमान है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और अपने जीवन को मुझे ही अर्पण करने वाले भक्तजन परस्पर मेरी ही चर्चा करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ में ही निरंतर रमण करते हैं। निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले उन भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। सभी देव ऋषि, नारद, असित, देवल तथा महर्षि व्यास भी आपको ऐसा ही कहते हैं और आप स्वयं ने भी ऐसा ही कहा है। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हैं सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता। हे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले ईश्वर, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही अपने उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती।
श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको मैं तुम्हारे लिए कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जानो। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और अस्थावर में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मुझको जानो। मैं शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना में समय, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मत्स्यों में मगर, नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या और परस्पर विवाद में तत्व निर्णय करने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं जुआ में छल, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्ण वंशों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं, पांडवों में धनंजय अर्थात तुम, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दमन शक्ति, जीतने की इच्छा वालों की नीत, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप,
मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तुम्हारे लिए संक्षेप में कहा है। जो जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु हैं उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जानो। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इस प्रकार दसवां अध्याय पूरा हुआ।